काफ़ी टाइम बाद हरियाणा में हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने 779 प्लस एजुकेशन वॉलेंटियर्स की भर्ती निकाली है स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए। और ये जो प्रोग्राम है समग्र शिक्षा का प्रोग्राम है, इसके अप्लाई के लिए यहाँ लिंक भी आ चुका है, लिंक फॉर असेसमेंट फ्रेमवर्क रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट 779 एजुकेशन वॉलेंटियर्स फॉर द प्रोग्राम स्पेशल ट्रेनिंग ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, यहाँ पर लिंक है, आप इसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और आप इसमें स्क्रीनिंग के थ्रू ही जा सकते हैं। यहाँ जब हम इसको ओपन करते हैं तो पूरी डिटेल्स निकल आती है, जिसमें जो सेंटर है सेंटर फॉर टीचर एक्रेडिटेशन, जो मॉडल स्कूल में भर्ती ट्रांसफ़र हो रहे हैं टीचरों के, उसके जो टेस्ट लेती है वही ये सेंटर है। और इसके थ्रू ही हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद एजुकेशन वॉलंटियर्स भर्ती करने जा रहा है। ये आपके सामने फॉर्म खुला हुआ है, 18 जुलाई को टेस्ट है, इसमें आप अपनी डिटेल्स फिल कर सकते हैं। और यहाँ नीचे डिस्ट्रिक्ट वाइज पोस्टें दी हुई हैं किस, और कुछ रूल्स रेगुलेशन दिए हुए हैं 22-23 के लिए जॉब है। और यहाँ साफ साफ बताया गया है कि ये सिर्फ 9 महीने के लिए ऑनरेरियम बेस्ड जॉब है और टेस्ट स्ट्रक्चर वगैरह सारा कुछ दे रखा है, लिंक आप डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं। ये जो सिलेबस है आप आपके सामने जो देख रहे हैं, और यहाँ Part 1 Part 2 MCQ उनके मार्क्स यहाँ पर सारे डाल रखे हैं, वेटेज जो भी है रिटन टेस्ट का 50 हो गया, एक्सपीरियंस 50, JVTB 25, स्टेट सीट 10 और टोटल हो गया 100। तो यहाँ एक्सपीरियंस के बारे में बता रही है, मैक्सिमम ऑफ 30 मंथ्स बेनिफिट ऑफ एक्सपीरियंस कैन बी गिवन, 30 महीने का बेनिफिट दिया जाएगा। एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं होंगे हायर क्वालिफिकेशन के, JBT या BEd कंपलसरी है लगने के लिए, और आप एक डिस्ट्रिक्ट ही सिलेक्ट कर सकते हैं इसमें। लेकिन आप एजुकेशन वॉलंटियर्स लगेंगे ना तो आपको बेनिफिट ये रहेगा कि जो एक्सपीरियंस बनेगा आपका 9 मंथ का वो कंसीडर किया जाएगा, यहाँ साफ साफ बता रखा है। यानी कोई भी ट्रेनिंग होगी या कुछ भी इस तरह के तो उसमें एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। और मैट्रिक में हिंदी एक सब्जेक्ट होना चाहिए आपका, ठीक है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज नंबर ऑफ ये स्पेशल जो ट्रेनिंग है यानी EVs हैं, पंचकूला में 51, अम्बाला में 37, यमुनानगर 38, कुरुक्षेत्रा 12 हैं, करनाल में 14 है, कैथल में 10, पानीपत में 68, सोनीपत में 28, हिसार 69, जींद 19, रोहतक 14, भिवानी परिसर की दादरी दोनों मिलाकर 4, फतेहाबाद में 30, सिरसा में 16, गुरुग्राम में 92, झज्जर 15, रेवाड़ी 13, महेंद्रगढ़ 3, फरीदाबाद 43, पलवल 120, पलवल में सबसे ज़्यादा है मेवात में 84। यहाँ जो भी ये एंगेजमेंट की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं सिर्फ 9 मंथ के लिए, आप रेगुलर के लिए आप कोई भी लीगल नोटिस नहीं दे सकते, यहाँ पूरा बताया गया है। ऑनरेरियम रहेगा आपका 9000 पर मंथ और महीने में एक दिन की आपको छुट्टी मिला करेगी। यानी और ये साथ में ये भी कंडीशन लग सकती है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड है इस रिगार्डिंग वो मिलता रहेगा तो आप ये तो करते रहेंगे। तो ये सारी डिटेल आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपकी इच्छा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।